हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका श्री लाइव पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स की ही सीरीज की, तो उसके जो इन्वर्स फंक्शंस के जो इन्वर्स मैट्रिक्सेस थी तो उनकी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानेंगे। तो आज की जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ये है कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, अगर कोई हमारे पास में ए मैट्रिक्स है देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू ओ, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो आपको करना क्या है, देखो ये जो ओ मैट्रिक्स होती है इसको हम बोलते हैं ओ से डिनोट करते हैं, जो जीरो मैट्रिक्स होती है ठीक है उसको ओ से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है, यानी आपको इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स के हेल्प से आपको वो इक्वेशन क्या करनी है, प्रूव करनी है कि ये ऐसा होने वाला है, और इसी की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, सबसे पहले हम जो ए मैट्रिक्स से वैल्यूज फाइंड करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा क्या क्या, हमारे पास में ए दे रखा है, आई हमें पता है कि आई क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए के स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, और ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए डॉट ए, यानी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स से। तो यहां से जो वैल्यूज मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, थ्री वन माइनस वन एंड टू, अगर आप इसी को मल्टीप्लाई करवाते हो इसी मैट्रिक्स से तो आपको क्या मिलेगा, थ्री वन माइनस वन एंड टू ठीक है। तो देखो जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वैल्यूज क्या आती है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस रो को किससे करवाएंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन हो जाएगा, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, थ्री और प्लस टू, तो क्या आने वाला आपके पास में, फाइव आने वाला है। जब आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस थ्री और माइनस टू तो माइनस फाइव, और जब इसी को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस वन एंड फोर, तो माइनस वन एंड फोर कितना होने वाला है, थ्री होने वाला है, ये आपको वैल्यू मिलेगी, यानी आपको ए स्क्वायर मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब ए स्क्वायर मिलने के बाद में हमें पुट क्या करना है, उस इक्वेशन में हमें पुट करना है, यहाँ से एक चीज और है कि जो आई होती है आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास में देखो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या होने वाली है, वन जीरो सॉरी वन जीरो जीरो एंड वन, ये होने वाली है ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं तो देखो इक्वेशन हमारे पास में क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू ए, अब ये तो जीरो मैट्रिक्स है, अब यहां से जो वैल्यू जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में क्या आई, एट आई, एट फाइव माइनस फाइव एंड थ्री, और यहां से क्या आया, यहां से माइनस फाइव। अब देखो जब 5 आ रहा है और उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब मैट्रिक्सेस की बात की थी तो हम किसी भी कांस्टेंट को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई क्या होगा, ए के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहां से जो वैल्यूज मिलेगी हमें क्या मिलेगी, यहां से वैल्यूज मिलेगी जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो 15 5 माइनस 5 एंड 10, और आपको क्या मिलेगा, और आपको मिलेगा प्लस सेवन, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं सेवन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सेवन जीरो जीरो एंड सेवन, और आगे आपको क्या मिलने वाला है, आगे आपको मिलने वाला है जीरो। ये चीज समझ में आ गई, तो इससे जो वैल्यू मिलेगी मतलब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करने के में सोल्व करने के बाद हमें आर एच एस को इक्वल करना है एल एच एस के। तो देखो जैसे ही सोल्व करते हैं, जब मैट्रिक्सेज क्या होती है एडिशन में या मल्टीपल एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होती है तो हम उसको नॉर्मली उस पर रूल्स लगाते हैं और वही प्रॉपर्टीज काम में लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एट को फिफ्टीन में माइनस करेंगे, यानी एट माइनस फिफ्टीन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एट माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन, यहां से क्या लिखने वाले, फाइव माइनस फाइव प्लस जीरो, फाइव माइनस फाइव प्लस जीरो, यहां क्या लिखेंगे, माइनस फाइव माइनस फाइव, और क्या यहां क्या आ रहा है, जीरो माइनस फाइव, और देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का फाइव हो जाएगा और प्लस जीरो, और यहां से क्या मिलने वाला है, थ्री माइनस टेन प्लस सेवन, थ्री माइनस टेन प्लस सेवन। तो आपको ये जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, अब देखो इसको, ये तो इधर जीरो था यानी टू क्रॉस टू की जीरो मैट्रिक्स थी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं जीरो 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 एंड जीरो,
ठीक है, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 0000, यही वैल्यूज मिलेगी जो कि इक्वल है किसके, पहले वाले जीरो के। तो ये चीज तो प्रूफ हो गई कि हमारे पास में जो ए स्क्वायर माइनस फाइव आई सॉरी 5a प्लस 7i जो था वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो जैसे हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो इसको जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको ए मिलेगा माइनस 5। जब आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और जब ये 7 आ जाएगा, और जब आइडेंटिटी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, ए इनवर्स से। अब जो ये वैल्यूज मिली, हमें चाहिए क्या, हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स को हम एक साइड में रख लेंगे, बाकी वैल्यूज को हम दूसरे साइड में भेजेंगे। तो यहां से जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या आएगी, वो हमारे पास में आएगी 5i माइनस ए अपॉन 7, यही वैल्यू मिलने वाली है। अब देखो आई की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, तो यहां से जो ए इनवर्स की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, इसको मैं 5i को मैं क्या बोल सकता हूँ, 5005 ये बोल सकता हूँ, और माइनस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए की वैल्यू मेरे पास में है 3 1 माइनस 1 एंड 2 और अपोन में 7 आएगा, मतलब ये हर एक एलिमेंट के साथ में आने वाला है 7। तो यहां से जो ए इनवर्स की वैल्यू मिलने वाली है वो आपको क्या मिलने वाली है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 3 2, ठीक है 5 माइनस 3 2 और 0 माइनस 1, तो माइनस 1 फिर आपको मिलेगा 0 माइनस माइनस 1 तो 1 और आपको यहां से क्या मिलेगा 5 माइनस 2, तो आपको मिलने वाला है 3, ठीक है ये वैल्यू मिल गई। इसके साथ में हमारे पास में क्या है 1 अपॉन 7, तो इसका जो इनवर्स होने वाला है वो हमारे पास में क्या होने वाला है 1 अपॉन 7 2 माइनस 1 1 एंड 3। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है और जो इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम होने वाली है वो अब हम देखते हैं कि क्या होने वाली है। तो अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है कि 4a मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई, ठीक है इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है इसी इक्वेशन को काम में लेते हुए और इस मैट्रिक्स को काम में लेते हुए। तो देखिए कैसे होने वाला है कि सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ए पता है तो ए स्क्वायर यहां से क्या होने वाला है, तो आपका ए स्क्वायर जो होगा मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं, जब हम 3 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1 से तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 2, तो 3 3 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। फिर क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास में 8। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, 3 1 3 और 1 1 1 यानी 4। और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 यानी आपको मिलेगा 3। तो आपका जो ए स्क्वायर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से ए की वैल्यू पता है, आइडेंटिटी आपको पता है, तो आप ये वैल्यूज क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे। तो जैसे आप पुट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11 8 4 3 प्लस ए ए, अब इसके साथ में आप वैल्यूज पुट करोगे 3 2 1 एंड 1 और फिर आप क्या करोगे बी, और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 एंड 1 और इक्वल टू हमें 0 के इक्वल दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और इक्वेशंस बनानी है। तो देखो सबसे पहले जब इक्वेशन इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये भी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सारी 2x2 की मैट्रिक्स है तो एक 2x2 की मैट्रिक्स है बनने वाली है। तो जो हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, 11 प्लस 3a प्लस b ऐसा मिलेगा, आगे क्या मिलेगा 4 प्लस a प्लस 0 और क्या मिलने वाला है, और आपको मिलेगा 8 प्लस 2a, ठीक है और क्या मिलेगा आपको 3 प्लस a प्लस b, ये वैल्यू मिलने वाली है इक्वल टू 0। यानी अब ये जो मैट्रिक्स है 0 के इक्वल है, यानी इसका हर एक एलिमेंट किसके इक्वल होने वाला है, 0 के इक्वल होने वाला है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये जो चारों वैल्यूज है वो 0 के इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं और 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 और
3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इनमें से किसी भी दो इक्वेशन की, देखो जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशंस काफी होती है उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, तो किन्हीं भी दो इक्वेशंस को काम में ले सकते हो और उनसे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहां से इस इक्वेशन को काम में लेके मैं ए की वैल्यू फाइंड करूं तो ए की वैल्यू मेरे को क्या मिलने वाली है, यहां से मेरे को मिलने वाली है ए की वैल्यू -4। ठीक है, अब जब आपको ए की वैल्यू मिल गई तो अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप या तो ये इक्वेशन काम में ले लो, आप यह इक्वेशन काम में ले लो। तो मैं ये इक्वेशन काम में लेता हूं, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू पुट करूंगा। तो जैसे मैं ए की वैल्यू पुट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 3 + 3 - 4 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बी की वैल्यू आपके पास में क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो यहां से आपको ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू, आपको ए इज इक्वल टू -4 एंड बी इज इक्वल टू 1 मिल गया। यही हमारे पास में इसके क्या होने वाले हैं, सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज की ये लास्ट प्रॉब्लम थी। आगे के जो क्वेश्चंस है, आगे के जो टॉपिक्स है, उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।